Hello friends, so we are going to learn AWS in this video, and the topics covered are Windows and Linux users, users on AWS, resources like EC2, S3, ARN, IAM roles, MFA, that is multi-factor authentication, security, credentials, and create your own policy. So let's get quickly jump into this video and always be a learner. So, आज अपन करते हैं अपनी IAM सर्विस पहले मैनेज एक्सेस टू AWS resources. तो अभी तक अपन ने क्या करा है, विंडोज सिस्टम यूज करा है, लिनक्स सिस्टम यूज करा है, ठीक है. हर एक में अलग अलग यूजर्स आते हैं. विंडोज के अंदर लोकल यूजर है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, गेस्ट यूजर है, वो भी आपके लोकल में आ जाएगा. लिनक्स की बात करें तो हो गया विंडोज. लिनक्स में अगर देखें अपन, लिनक्स के अंदर ही मल्टीपल आ जाते हैं. एक सुपर यूजर आ गया अपना, जो कि होता है रूट. इसके अलावा लोकल यूजर हो गए और उसके साथ में सिस्टम यूजर. यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अलग अलग यूजर बनाने की जरूरत क्या पड़ी. एनी आइडिया? मैंने अलग अलग क्यों बनाए यूजर्स, सारा काम रूट से क्यों नहीं करता? क्योंकि हम लोग सब यूजर को सारे प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं. राइट. तो यहाँ पे पूरा गेम किसका आ जाता है, आप उसे कितनी प्रिविलेज दे रहे हैं या फिर आप बोल लीजिए उसे कितनी परमिशंस दे रहे हैं, या फिर अगर दूसरे टर्म में बोले तो आप उस पर कितना रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं. उस बेसिस के ऊपर अपन क्या करते हैं, अलग अलग यूजर्स बनाते हैं और वर्क करते हैं. अब अगर इसी की बात करें, लोकल यूजर है, उनको केवल उनकी होम डायरेक्टरी के अंदर एक्सेस होता है. उसके साथ में मैं किसी दूसरी डायरेक्टरी भी देना चाहता हूं तो उसमें परमिशंस बता सकता हूं, आइदर रीड राइट और एग्जीक्यूट और एसजीआईडी एंड एसटीकेबिट. तो सब यूजर्स पे लगती है, चलो उसमें दिक्कत नहीं. तो मेन अपन कह सकते हैं कि रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन अपन क्या कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं किसी भी फाइल के ऊपर. उसकी ओनरशिप वगैरह चेंज कर सकते हैं फाइल. अब ये तो हो गया नॉर्मल विंडोज और लिनक्स की बात. नेक्स्ट अपन आ गए किस पर, AWS. AWS के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सर्विसेज होती है. EC2 आपकी सर्विस है, S3 एक अलग सर्विस है, RDS अलग सर्विस है आपकी, Out 53 अलग सर्विस. इवन जो बिलिंग अभी अपन देख रहे थे वो भी क्या है, अलग से सर्विस. एंड मेरे पास मल्टीपल क्या हो गए यहाँ पे, सर्विसेज. सर्विस में मैं अगर कुछ भी करता हूँ, EC2 के अंदर मैं कोई इंस्टेंस बना रहा हूँ, कोई सर्वर बना रहा हूँ, तो वो क्या बोलेगा, EC2 का एक रिसोर्स है. सिमिलरली जैसे यहाँ पे अपने रिसोर्सेज बना रहे हैं अपन, वैसे RDS के अंदर भी आपके रिसोर्सेज दिखाएगा, इधर भी Cloud 53 के अंदर भी, IAM सर्विस में भी, इवन बिलिंग में भी अपन कह सकते हैं कि वो रिसोर्सेज दिखाता है मेरे को. अगर मैं बिलिंग में जाता हूँ इधर, तो यहाँ पे मंथ टू मंथ डेट स्पेंड दिखा रहा है, उसके अलावा स्पेंड समरी दिखा रहा है, साथ में टॉप रेटेड यूजेज. तो अलग अलग रिसोर्स यहाँ पे शो कर रहा है. अगर EC2 पे चलते हैं,
EC2 के अंदर क्या कर रखा होगा इसने, डैशबोर्ड के ऊपर आपके पूरी की पूरी रिसोर्स की टेबल दे रखी है। इसके पास में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो अब लेट्स से कि आपने क्या करा, अगर मुझे ये मेरे डैशबोर्ड पे ये देखना हो कि मेरा अकाउंट कब एक्सपायर हो रहा है तो कहां पे जाके देख सकते हैं? उसके अंदर बिलिंग के अंदर साइन अप डेट देख लो एक बार आपका। मतलब कहां से जाने, बिलिंग के अंदर जाओ, बिलिंग के अंदर, ओके, एंड माय बिलिंग डैशबोर्ड पे अभी नहीं नहीं बिल डिटेल्स के अंदर जाओ, बिल डिटेल्स को क्लिक किया एंड यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है ये वाला डेट के अंदर जैसे, हाँ, नवंबर 2020, इसमें आप देखो राइट, हाँ, तो ये देखो कि इसमें बिलिंग कब जनरेट हुई है, स्टार्ट कब हुई है, मतलब जो फर्स्ट मंथ है इसका वो कौन सा है वो चेक करो, नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ से दिसंबर 9, 2019, दिसंबर से, तो दिसंबर से क्या होगा कि पूरा वन ईयर आपकी उसके बाद में क्या है कि आप जब सर्विसेज यूज करेंगे तो उसके वो जो नॉर्मल रेट लगाता है चार्जेस वगैरह वही लगाएगा आपको। अब आप क्या करिए, या तो वापस आपको फ्री टायर अकाउंट बनाना है तो एक दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो अपना जो अकाउंट ऑन है तो आप सेम अगर कार्ड से बनाओगे उसमें अकाउंट तो भी दिक्कत नहीं है, बस ईमेल आईडी डिफरेंट है, तो इसमें अभी लॉग आउट करो, साइन ऑफ, हां हो गया, हां हुआ, एंड देन लॉग बैक इन, लॉग बैक इन, और यहाँ पर नीचे आएगा क्रिएट न्यू AWS अकाउंट, हाँ हाँ हाँ, इसके ऊपर कर दो क्लिक, ओके, आपकी जो ईमेल आईडी है नई वो वगैरह देखिए, मतलब एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी नहीं देना है ऐसा, हाँ एग्जिस्टिंग नहीं देना, एग्जिस्टिंग लोगे तो एरर बता देगा, ओके ओके ओके, और उसमें क्या है कि जैसे अगर आप अभी दिसंबर तक का है तो आपके पास में उसका ईमेल भी आ जाएगा, वैसे भी क्या कहते हैं AWS का योर फ्री टायर अकाउंट इज एक्सपायरिंग सून करके, तो यहाँ पे मुझे रजिस्टर ईमेल आईडी भी आ जाएगा, ओके डन, ओके थैंक यू, तो अब क्या करा यहाँ पर, आप आपकी कंपनी के एडमिन हो ठीक है, या फिर आप कह लो कि जो आप कंपनी के बॉस हो, आप ही पूरा का पूरा क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो आपने मल्टीपल रिसोर्स बनाए, अब आपको क्या करने हैं टीम के अंदर, एक तो चाहिए एडमिन जो पूरा का पूरा आपकी जगह उसे मैनेज करे, एक चाहिए डेवलपर, एक लेट्स से HR का पर्सन चाहिए, एक सेल्स के, तो चार जनों की टीम आप क्या करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, या फिर एडमिन डेवलपर के अंदर आप कितने, दो डेवलपर रखना चाह रहे हो, तो अब आपने इतने रिसोर्स बना दिए उनके अकॉर्डिंग, आपके कितने 5 जने हो गए इधर, एक आप मिला के 6 हो गए, 6 रिसोर्स आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिए, अगर सबके सब आपके ही अकाउंट से एक्सेस करते हैं इसको, सबके पास आपके अकाउंट का आईडी पासवर्ड है, सारे के सारे यूजर्स कहीं पे भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी इश्यूज यहाँ पर होंगे फिर, क्योंकि अगर हर यूजर किसी भी रिसोर्स पे जाके छेड़खानी कर सकता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अलग से
जितने भी यूजर सब मैं देना चाहता हूँ वैसे मेरे को यहाँ पे आईएम यूजर बनाने पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर क्या आ गई, आईएम यूजर्स। और जब भी आप आईएम यूजर बनाएंगे तो उसमें क्या कर रहे हैं, आप उनको एक्सेस दे रहे हैं सर्विसेज का, और सर्विसेज पे किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका EC2 चल रहे हैं इंस्टेंस सारे के सारे, इसको आपने बता रखा है EC2 1, इसको नेम दे रखा है EC2 2 EC2 3। तो ये तो क्या आपने टैग लगा रखे। तो अब IAM यूजर जब बना रहे हो, आपने एक यूजर बनाया, लेट्स से एडमिन के अंदर आपने दे दिया एबीसी। तो एबीसी यूजर को अब आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी सर्विस को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर इसके साथ में आपके अटैच होंगे, इसके ऊपर परमिशन लगानी पड़ेगी, जिसको ये AWS क्या बोलता है परमिशंस को। ठीक है, पॉलिसीज आर नथिंग बट परमिशंस विच यू आर गिविंग टू द यूजर ऑन एनी पर्टिकुलर सर्विस। तो उसमें आपको जैसे EC2 पे देना है तो रीड ओनली परमिशन हो सकती है या फिर फुल एक्सेस हो सकता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, परमिशन पूरी सर्विस पे दे सकते हो, फुल सर्विस और ऑन अ पर्टिकुलर रिसोर्स। पर्टिकुलर रिसोर्स पे देना चाहते हो तब उसके अंदर क्या यूज होगा, यहाँ पर एक और टर्म आएगी नहीं अपने पास, ARM। ये क्या होता है, अमेज़न रिसोर्स नेम। AWS अपने हर एक रिसोर्स को क्या करता है, ARN दे देता है, जिसके थ्रू वो उन्हें आइडेंटिफाई करता है। जब आप उसके लिए यूजर के लिए पॉलिसी लगा रहे हो तब आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि मेरे को अगर लेट्स से कि एडमिन यूजर को देना है इस EC2 1 EC2 2 पर, तो इन दोनों मशीन्स का ARN इसका और इसका मैं क्या करूंगा इस पॉलिसी के साथ में ऐड कर दूंगा। तो जो एडमिन है वो केवल इन दो मशीन्स के ऊपर क्या कर पाएगा, फुल एक्सेस कर पाएगा, बाकी सब के ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिमिलरली मेरे को अगर क्या करना है, मल्टीपल पॉलिसीज देनी, मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को पॉलिसी में देना है EC2 फुल एक्सेस, साथ ही साथ S3 फुल एक्सेस मैं दे सकता हूँ। अप टू 10 पॉलिसीज एक साथ आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना IAM यूजर। अब डेवलपर अपने पास में अभी दो है, डेवलपर्स को मेरे को मान लेते हैं कि उसको एक्सेस देना है ओनली EC2 का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर क्रिएट करूंगा। ठीक है, User 1, उसके बाद में उसको परमिशन दूंगा कि हाँ भाई आप EC2 के ऊपर क्या कर सकते हो, फुल एक्सेस कर सकते हो। फिर जो रिसोर्सेज है मेरे, उन रिसोर्सेज की मेरे को वापस से यहाँ पे ARN ऐड करनी पड़ेगी। ये तो फर्स्ट यूजर के लिए, फिर सेकंड यूजर आया उसके लिए वापस करना है मेरे को। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा। मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे को बार बार ये ना करना पड़े, ठीक है, मैं जस्ट एक बार कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ इसमें, फिर सीधा यूजर बनाऊ उसको ऐड करूँ ग्रुप में, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं IAM बेस्ट एग्जाम्पल आप लो तो व्हाट्सएप के ऊपर आपको अगर मैसेज भेजना है किसी को, एक मैसेज है उसको मल्टीपल लोगों को भेजना है। पहला तरीका तो क्या है कि आप एक एक करके सबको सेलेक्ट करिए, उसमें भी आपको पहले तो होते थे, अब तो 5 ही करने देता हूँ।
ठीक है। तो उसमें आपके पास में दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो आप उनका ब्रॉडकास्ट बना लीजिए सबको एक साथ आपने कलेक्ट कर लिया, या फिर आप एक ग्रुप बना दीजिए। तो सबको क्या है, एक साथ जो आपकी जो इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह है वो चला जाएगा। आईएम ग्रुप, तो आईएम ग्रुप के अंदर क्या है कि डायरेक्टली आपने एक बार परमिशन बता दी इसको, लाइक इसी टू को फुल एक्सेस है, इसी टू थ्री के ऊपर साथ में टू टू। तो अब क्या करना है, मेरे को नया यूजर ऐड करना है। मैं सीधा का सीधा इस ग्रुप के अंदर यूजर वन को ऐड करूंगा, टू को करूंगा, उनको बाय डिफॉल्ट क्या है ये परमिशंस मिल जाएगी, मेरे को हर एक को अलग अलग परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा प्लस पॉइंट क्या है ग्रुप बनाने का, ग्रुप के ऊपर मैं लगा सकता हूँ 10 पॉलिसीज, मैं साथ में यूजर को अगर देना चाहता हूँ तो उस पर भी मैं 10 पॉलिसीज लगा सकता हूँ। तो कितनी हो जाएगी, टोटल 20 परमिशंस अलग अलग सर्विसेज की दे सकते हैं। अगर केवल यूजर की बात करें तो उसके ऊपर एक बार में 10 लगा सकते हैं, तो ओनली 10 ही दे पा रहा था। ठीक है, और एक यूजर आपका मल्टीपल ग्रुप में हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको सेम यूजर को किसी दूसरे ग्रुप में भी स्टोर कराना है आप करा सकते हैं। देन पॉलिसीज आ जाती है अपने पास में, पॉलिसीज जस्ट परमिशन ही है, आप खुद की पॉलिसीज भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सारी की सारी किस में होती है, जेसन फॉर्मेट में होती है। तो आप जस्ट अपनी वहां पे डायरेक्टली जिस भी सर्विस के लिए, जिस भी रिसोर्स के लिए बनाना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं पॉलिसी। ठीक है, देन अभी मान लो ये आपके पास में ईसी टू सर्विस है और ये S3 सर्विस है। This one is EC2, this is S3. अब S3 पे कुछ डेटा पड़ा, ठीक है, एक कोड पड़ा वहां पे, और यहाँ पे एडमिन बैठा है और एक डेवलपर बैठा है, साथ में सेल्स टीम का पर्सन बैठा है। तीनों को क्या है, EC2 पे तो है ही, साथ में एडमिन और डेवलपर इनको S3 के ऊपर, सेल्स वाले को ओनली EC2 के ऊपर। अब EC2 के ऊपर जाके उसने खुद का एक मशीन बना रखी है, उसके ऊपर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, डेवलपर ने बोला कि S3 के अंदर क्या पड़ा है, कोड पड़ा है, आप वहां से कोड ले लो। अब S3 में उस कोड के अलावा भी क्या है, ढेर सारी चीजें, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे डेवलपर और एडमिन के अलावा किसी और को दिखे। तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अब पहला तरीका तो क्या है, अगर मैं सेल्स वाले को पूरी परमिशन दे देता हूँ S3 के ऊपर, तो S3 पे जा पाएगा, एक्सेस करके वहां पे डिटेल्स देख पाएगा, तो ये तो मेरा गड़बड़ हो जाएगी। मैं क्या चाहता हूँ कि S3 पे जा पाए, लेकिन कब जा पाए, जब इस EC2 के थ्रू एक्सेस कर रहा हो, मतलब पहले उसको एक्सेस लेना पड़ेगा EC2 पे, फिर EC2 के थ्रू सर्विस पे जा पाएगा। डायरेक्ट जाएगा तो उसको एरर बता देगा। तो वो कैसे पता चलेगा कि सस्पेंड होने के बाद कितना टाइम हुआ है? अभी जैसे सस्पेंड होने का, एक तो आपके पास मेल आया होगा हर मंथ का, कि जब भी वो सस्पेंड करने लगता है उसमें, तो आपके मैसेज कर देगा, मेल कर देगा, योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड दिस मंथ इफ यू डोंट पे योर बिल करके। और जहां तक है आपके लास्ट 3 मंथ्स में आया होगा वो बिल, मैं क्या कहते हैं मेल। अपन अभी ये देखते हैं। तो
यहाँ पे अब सिनेरियो क्या है अपना, दो यूजर्स है एडमिन और डेवलपर, जो EC2 और S3 दोनों पे फुल एक्सेस है। सेल्स वाला है जिसको ओनली EC2 के ऊपर एक्सेस है, और मैं उसे S3 पे से एक फाइल देना चाहता हूँ, पर मैं नहीं चाहता उसे S3 पे फुल परमिशन। तो अगर मैं फुल परमिशन देता हूँ डायरेक्ट S3 पे जा पाता है तो मेरे दिक्कत आएगी, इसलिए मैं ये तो नहीं देगा। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, ये पहले जाए खुद के EC2 के ऊपर, उस EC2 से जा सके S3 पर। यहाँ पर मेरे पास एक और टर्म आती है IAM रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, एक सर्विस को दूसरी सर्विस का एक्सेस देने का काम आता है। मैं एक रोल बनाऊंगा यहाँ पे कि मेरी EC2 सर्विस एक्सेस कर सकती है किसको, S3। और उस रोल को मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ में अटैच कर दूंगा। तो जो भी इस इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएगा वो इधर से S3 पे जा पाएगा, पर अगर सीधा जाना चाहेगा तो उसे एरर बता देगा। ठीक है, ये फोर्थ अपने पास में क्या आ गया, IAM रूल्स। सर्विस टू सर्विस एक्सेस देना है आपको, तब आप इसे यूज करेंगे, या फिर आपको किसी दूसरे अकाउंट को एक्सेस देना आपके रिसोर्सेज का, डिफरेंट अकाउंट टू योर रिसोर्सेज। तब भी आप क्या करेंगे, उस अकाउंट के लिए एक IAM रोल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, और इसके साथ में ये आपको देगा यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फीचर, कि आपके पास में एक OTP जनरेट होगा, उस OTP के थ्रू ही आप क्या कर पाएंगे, एक्सेस ले पाएंगे अकाउंट में। अगर OTP नहीं है तो आप अकाउंट में एक्सेस भी नहीं ले सकते। सिक्योरिटी की जस्ट एक लेयर मान लो एक्स्ट्रा मिल जाएगी आप। ठीक है, और लास्ट चीज यहाँ पे आती है, अगर मैं AWS में एक्सेस करना चाहता हूँ, मेरे पास मल्टीपल तरीके। पहला तो वेब कंसोल के अभी तक अपन ने देखा, उसके अलावा ये तो आपके वेब कंसोल कौन यूज करेगा, एडमिन वगैरह है वो यूज करेंगे, जो डेवलपर्स है वो ज्यादातर यूज करते हैं आपके CLI। ठीक, उसके अलावा API कॉल, AWS CLI और AWS API, इनके थ्रू जब एक्सेस करना है तब यहाँ पर यूजर नेम और ID की जगह क्या आता है, यूजर नेम और पासवर्ड, सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड की जगह आएगा यहाँ पर एक्सेस की ID, एंड पासवर्ड की जगह होगा सीक्रेट एक्सेस। जब वेब कंसोल से एक्सेस लेते हो तब वहां पे आपके पास में जो यूजर नेम है वो और उसका पासवर्ड है वो यही देते रहे हैं अभी तक। यूजर नेम में ईमेल देते हैं और जो पासवर्ड है उसी तरह सीधा टाइप कर दो। ठीक है, ये जो सीक्रेट एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस आईडी है, ये थोड़ा सा यूज करना आप कह सकते हो टेढ़ा काम है, क्योंकि अगर आप EC2 के ऊपर सीक्रेट एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस आईडी यूज कर रहे हैं तो उसको पहले EC2 पे स्टोर कराना पड़ता है। अगर आप विंडोज से यूज कर रहे हैं तो विंडोज के अंदर आपको स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा कि जिस ताले को आपको खोलना है उस ताले के अंदर आपने चाबी परमानेंट लगा रखी है, जस्ट चाबी घुमानी है ताला खुल जाएगा।
तो अगर मैंने मेरे लैपटॉप के अंदर मेरी सीक्रेट एक्सेस की और आईडी को स्टोर कर रखा है, कोई थर्ड पर्सन आके लैपटॉप चला लेता है, वो भी मेरे रिसोर्सेस को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए AWS यहाँ पे क्या बताएगा आपको कि आप इन दोनों को हटा ही दो, केवल किसको यूज करो, ईमेल को और पासवर्ड को, ठीक है, उससे लॉग इन लीजिए। और साथ में आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके रखिए ताकि वो ओटीपी के बिना एक्सेस नहीं कर सकते। इन केस आपको करना है CLI से, तब आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस, और आपका वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन इसकी लैब की तरफ, एंड IAM डैशबोर्ड पर आए। यहाँ पर अपन पहले यूजर नेम पर चलते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में ये रहा आपके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप एक्टिवेट करते हैं तीन तरीके हैं, एक है U2F सिक्योरिटी, एक पेन ड्राइव लाइक डिवाइस आपके पास आएगा, ठीक है, उसको जब अगर आप लगाएंगे सिस्टम पे तभी एक्सेस कर पाएंगे अकाउंट को, वरना नहीं कर सकते। U2F सिक्योरिटी की के अलावा आपके पास में आता है Gemalto टोकन, उसमें क्या है आपके पास में एक कोड जनरेट होता रहेगा, और अगर वो कोड आपका मैच होता है जो आपने उसमें दिया, हर 30 सेकंड्स में जनरेट होगा, तो फिजिकल डिवाइस हो गया उसमें जनरेट होगा, आपने एंटर किया मैच होता है तो एक्सेस करने देगा, अदरवाइज एरर बता देगा। ये दोनों तो परचेज करने पड़ेंगे। तीसरा अपने पास जो ऑप्शन है वो है वर्चुअल MFA डिवाइस। आप जस्ट क्या करिए, अपने मोबाइल के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, चेक, गूगल ऑथेंटिकेटर, ओके, 6.8 MB की ऐप है आपके, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद में इसमें आप कंटिन्यू करें। तो एप्लीकेशन के अंदर आपके पास में ऑप्शन आएगा, नीचे प्लस का साइन आएगा, उसके थ्रू क्या है कि आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो एक बार ये डाउनलोड हो जाए इधर, फिर अपन क्या करते हैं इसमें QR कोड स्कैन करके वर्क करते हैं। कौन कौन सी कंपेटेबल एप्लीकेशन है वो आपको देखना है, हार्डवेयर वर्चुअल है, एंड्रॉइड के अंदर अपने पास में ये सारी है, ठीक है। तो अभी मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल हो गया, तो उसको करा मैंने गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो उसने वो बता देगा स्कैन है QR कोड है, दूसरा है एंटर है सेटअप। आप QR कोड स्कैन करिए, और जैसे QR कोड स्कैन करा मैंने, यहाँ पे कोड जनरेट होना स्टार्ट हो गया जो कि हर 30 सेकंड्स में चेंज हो गए। तो मेरे को दो कोड यहाँ पे देने पड़ेंगे, 271482, और एक बार ये कोड चेंज हो जाए फिर अपन क्या करेंगे, इस पर दूसरा देते हैं, करेंगे। ईमेल आईडी दिया नेक्स्ट, उसके बाद में पासवर्ड दिया और साइन। तो पहले क्या था, डायरेक्ट लॉगिन ले रहा था,
अब यहाँ पे एमएफए पूछेगा, मैं अगर एमएफए दे देता हूँ रैंडम, ऑथेंटिकेशन फेल, तो मेरे को एमएफए देना है उस एप्लीकेशन में जो कोड आ रहा है उसमें से 5 2 4 3 7 जैसे वो एमएफए मैच हो जाएगा यहाँ पे एक्सेस लेने देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा अपन देखते हैं अपना सिक्योरिटी की कैसे डिलीट करना है आपको। अगेन सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाइए और सिक्योरिटी की एक्सेस कीज आप जो है इसको रूट क्रेडेंशियल्स भी बोल सकते हैं, रूट के जो यहाँ पर है तो अपने तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी डिलीटेड है, आपके वहां पे क्या होगा एक दिखाएगा वो, ठीक है। जस्ट विद इन अ सिंगल क्लिक क्या कर सकते हैं, नई सिक्योरिटी न्यू एक्सेस की आप यहाँ पे बना सकते हैं, एक्टिव है, आपको डिलीट करनी है डिलीट पे क्लिक करिए एंड कंफर्म एंटर द की आईडी रीएक्टिवेट एंड देन पेस्ट डिलीट, ठीक है। तो केवल यूजर नेम और पासवर्ड उसी से एक्सेस कर रखिए, बाकी सबका हटा दीजिए, ठीक है। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको क्या करना है, रिमूव करना है तो मैनेज पे जाके रिमूव या फिर रीसिंक आप इसमें कर सकते हैं। अभी रिमूव कर देते हैं इसको यहाँ से, देन नेक्स्ट अपना है यूजर्स एंड ग्रुप। तो यूजर ग्रुप पे जाने से पहले अपन पॉलिसीज पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो आप 778 पॉलिसीज दिखा रहे हैं, इन पॉलिसीज में से ज्यादातर AWS मैनेज्ड है, कुछ एक पॉलिसीज जॉब फंक्शंस है और कुछ कस्टमर मैनेज्ड होगी जो आप खुद क्रिएट करेंगे। फिल्टर्स के अंदर अगर मैं लगाता हूँ मेरे को कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी दिखाई, तो ये कस्टमर वाले दिखा देगा। इसमें आपको किसी को डिलीट करना है जस्ट सेलेक्ट करिए डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी पॉलिसीज क्या है बन रखी है, इसमें से अपन बाद में हटाएंगे। नेक्स्ट आपको देखना है जॉब फंक्शंस, जॉब फंक्शंस आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस किसी को देना है तो इसने पहले बना के रख सकते हैं, तो फुल एक्सेस दे देगा AWS रिसोर्सेज पे और सर्विसेज पे। केवल बिलिंग पे देना है, बिलिंग वाला बता दो आप, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा साइंटिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, अलग अलग दे रखे हैं। और अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं EC2, तो ओनली EC2 से रिलेटेड 32 पॉलिसीज बता रहे, फुल एक्सेस है, रीड ओनली एक्सेस है, ठीक है। रूल्स का दिखा रहा है यहाँ पे, ऑटो स्केलिंग का अलग है। अभी अगर मैं फुल एक्सेस पे क्लिक करूँ तो ये मेरी पॉलिसी है, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ इधर, ठीक है। तो हर पॉलिसी के अंदर क्या है, स्टार्टिंग के अंदर वर्जन बताएगा वो, वर्जन के बाद फिर स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में आपके रहेगा किस किस को अलाउ करना है और किसे डिनाई करना है। तो इसने बताया एक्शन कौन सा, EC2 के ऊपर सारे के सारे, स्टार मतलब सारे एक्शन, यहाँ पे अलग अलग आते हैं EC2 पे डिस्क्राइब, EC2 पे लिस्ट, रीड, अगर स्टार लगा दिया मतलब सब एक्शन हो गए, उन पे क्या इफेक्ट करना है, अलाउ करना है रिसोर्स, सारे रिसोर्स, ठीक है। सिमिलरली इफेक्ट देखें इस वाले में, इसमें भी अलाउ करना है किस पर, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग पे सारे ऑप्शन, कौन से रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स वहाँ पे होंगे। तो अगर मेरे पास में इलास्टिक लोड बैलेंसिंग में 10 रिसोर्स है, मैं 10 के 10 पे उस पर कर रहा हूँ एक्सेस दे रहा हूँ, तो एज गुड एज फुल एक्सेस ही हो गया, ठीक है। दूसरी अपन देखें अगेन EC2 एंड EC2 में रीड ओनली वाली ओपन करते हैं इस बार,
मैंने वापस से कॉपी करा, पेस्ट। तो यहाँ पे देखो वापस सबसे पहले वर्जन है, फिर स्टेटमेंट में इसने क्या करा है, इफेक्ट बताया अलाउ, एक्शन क्या है इसी टू पे डिस्क्राइब करने के लिए इसने अलाउ करा है। डिस्क्राइब के अंदर मल्टीपल है, क्या डिस्क्राइब कर सकता है, आईपी डिस्क्राइब करना है, उसमें सर्वर डिस्क्राइब करना है, उसकी इमेज करनी है, स्टोरेज करना है, तो इसलिए इसने डिस्क्राइब स्टार बता दिया। और रिसोर्स वहाँ पे जितने भी होंगे सबकी बात करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर पे करना होता तो उस रिसोर्स का ARN यहाँ पे दे देते हैं, अमेज़न रिसोर्स में। देन अगेन इसने अलाउ करा है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग में डिस्क्राइब, इधर अलाउ करा है क्लाउड वॉच में लिस्ट मैट्रिक, गेट मैट्रिक और डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये इसने अलग अलग सर्विसेज के ऊपर उसने एक्सेस दे दिया कि ये रिसोर्स को कर सकता है, लिस्ट कर सकता है। जेसन फॉर्मेट में है, अगर आपको पॉलिसी की समरी देखनी है आप इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। क्लाउड वॉच पे लिस्ट और रीड, EC2 पे लिस्ट रीड के लिमिटेड, EC2 ऑटो स्केलिंग पे फुल दे रखी है लिस्ट और रीड की। ये तो प्री डिफाइंड हो गई, आपको खुद की बनानी है, क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करिए, जेसन आती है तब तो बहुत ही बढ़िया, आप खुद यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं आती तो आपको इसमें विजुअल एडिटर दे रखा है। आप जैसे ये चूज अ सर्विस आपने बताया यहाँ पर EC2, या फिर अपन बोल देते हैं अच्छा EC2 पे दे देते हैं। EC2 पे कौन सा एक्शन देना है, ये देखो लिस्ट का है, लिस्ट के अंदर मैं ओपन करूँ तो लिस्ट में ढेर सारे ऑप्शन, जो वहाँ पे डिस्क्राइब स्टार था, डिस्क्राइब स्टार मतलब इसके आगे जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे, होस्ट रिजर्वेशन, होस्ट, IAM इंस्टेंस, ID, फॉर्मेट, इमेज, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर सबके सब डिस्क्राइब के हो गए, कुछ एक एक्सपोर्ट के हैं, रीड में देखोगे वहां पे भी डिस्क्राइब है आपके पास। अगर आपको टैगिंग के लिए करना है तो टैगिंग के लिए आप बता सकते हैं टैग्स क्रिएट कर सकता है, टैग्स डिलीट कर सकता है, पर कहीं ना कहीं क्या है, अगर मैं केवल ये दे देता हूँ तो ये कन्फ्लिक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर मैंने उसे टैग्स लिस्ट करने की ऑप्शन परमिशन नहीं दिया, सीधा डिलीट करने का बोलो, जब उसको कोई चीज मिली नहीं तो डिलीट कहाँ से करेंगे, ठीक है। जब सर आप क्रिएट करेंगे पॉलिसीज तो पॉलिसीज के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्रिएट करते हो कौन सी पॉलिसी या फिर कौन सी परमिशन आप दे रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है अपना रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्स पे आप देना चाहते हैं, अगर स्पेसिफिक रिसोर्स पे देना है तो उसका ARN एंटर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो ऑल रिसोर्सेज पे देना है जस्ट ऑल रिसोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, सबको मिल जाएगा। साथ में कंडीशन बता सकते हैं कि लाइक MFA रिक्वायर्ड है, सोर्स IP एग्जैक्ट होनी चाहिए आपकी, उसी रेंज के थ्रू आ रहा है तभी आने दिया जाए, वरना आने में, ठीक है। अभी जस्ट करते हैं रिव्यू पॉलिसी एंड देन पॉलिसी का नेम दे देते हैं, वार्निंग, डिस्क्रिप्शन आपके ऑप्शनल है, स्किप करिए उसको एंड देन क्रिएट पॉलिसी। अभी इधर सर्च करिए आप, वार्निंग EC2 आ गई आपके पास, उसको एक्सेस करो। तो मैंने उसको ये पॉलिसी अटैच कर दी, तो लिस्ट के अंदर मैंने सारे ऑप्शंस क्या कर दिए थे, सेलेक्ट कर दिए थे, तो इसने बता दिया EC2 में डिस्क्राइब इंस्टेंस की परमिशन है, डिस्क्राइब UIP पूल, डिस्क्राइब स्नैपशॉट, वॉल्यूम्स, की पेयर्स, टैग्स, इन सबको क्या कर सकता है, वो अलग अलग डिस्क्राइब कर सकता है, और जैसे अलाउ है वैसे आप किसी पर्टिकुलर के लिए डिनाई भी करा सकते हैं, ठीक है।